बढ़ती महंगाई ने आम जनता का बजट ही बिगाड़ दिया है। 9 दिन में 8 बार पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हो चुकी है। इस दौरान राजधानी जयपुर में पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 82 पैसे महंगा हो गया है। जयपुर में पेट्रोल की दाम 113.20 रुपए प्रति लीटर तो वहीं डीजल की अगर बात की जाए तो 96.43 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। दाम बढ़ने से सब्जी और फल के दाम पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता बसंत पांडे की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेट्रोल और डीजल में वृद्धि रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीते 9 दिन में 8 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 82 पैसे महंगा हो गया है। राजधानी जयपुर में पेट्रोल के दाम 113.20 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। वहीं डीजल के दाम 96.43 रुपए पर पहुंच गए हैं। लगातार जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं आम जनता का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने से गाड़ी भाड़े के दाम भी बढ़े हैं, ट्रांसपोर्ट का के दाम भी बढ़े हैं। इसके साथ साथ खाद्य पदार्थों के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फल सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं। हालांकि जिस तरह कोरोना काल में लोगों के रोजगार छिन गए तो आस लगाई जा रही थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार राहत देगी, लेकिन जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 5 राज्यों के चुनाव से पहले हालांकि दामों में थोड़ी राहत दी गई थी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं आम जनता का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। हालांकि राज्य की कांग्रेस सरकार इसके लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधने में लगी है। कांग्रेस का कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले तो हालांकि दामों को कम कर दिया गया, लेकिन अब जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं आम जनता की पीठ पर खंजर घोंपने का काम केंद्र सरकार ने किया है। कैमरा पर्सन तनु शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर।